Good morning, friends. How are you? First of all, today we will look at some graphs, as because graphs play the important role in solving the problems for your any type of question. So here I found many students getting confused for the relation of solid sphere in that shell is there and conducting. So there are four graphs. The graphs will be E versus R and V versus R. So simultaneously electric field versus distance and the electric potential versus distance, that if you have to calculate, then first one comes is your spherical shell. So after this we will start the solving of problems, because I think in between you must be updated and you must be refreshed, otherwise it is much difficult to continue with the studies, because electrostatics let me tell you, that is one of the toughest topic actually. Isko tough kaha jata hai concept samajhne ke liye, ek baar samajh gaya to kuch problem nahi. हमारे को भी कभी कभी दिक्कत आते हैं. फॉर मी पर्सनली, फॉर मी ऑल्सो समटाइम्स आई गेट स्टक एट सम पॉइंट. अरे दिस इज ओ हाउ इट विल कम. ओके, सो मीन्स देर आर मेनी थिंग्स विच आर कंसेप्चुअली डिफिकल्ट. आई एग्री विथ दैट, बट इट्स ओके, आफ्टर ऑल वी हैव टू डू दैट. सो ऐसे कुछ कुछ तरीके बनाए. अभी मैंने कैपेसिटर का लिया है, कैपेसिटर के बहुत सारे. अभी आप तो डायरेक्टली बोल सकते हैं सर इसका इतना आएगा, ये इसका इतना आएगा. तो ये प्रैक्टिस से आता है. हमने लगता है वी वुड हैव क्रॉस्ड आई थिंक मोर देन 200 प्रॉब्लम्स. यू जस्ट चेक इट, वो प्रैक्टिस वाला और ये सब निकाल के आपने देखा 200 के ज़्यादा होगा प्रॉब्लम. तो इतना अगर प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो तो एग्ज़ाम का डर आपके मन से निकल जाए. आपने भी महसूस किया होगा, यू वुड हैव एक्सपीरियंस दैट. ओके, इसी के लिए इसका भी अभी डर निकल के डालते हैं. ई वर्सेस आर, ये मतलब क्या है, ई कैसे वैरी करता है वो दिखाते हैं. तो पहले हम दो ग्राफ निकालते हैं. आपके पास है ये, लेकिन किसी भी एक जगह उसको इकट्ठा किया आपने तो ठीक रहेगा. ओके, अभी ई वर्सेस आर में आपको पहले तो E का फॉर्मूला में इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप है, और V के फॉर्मूला में मीन्स इनवर्स लेकिन स्क्वायर का नहीं है. तो ग्राफ तो जनरली वो सेम आएगा. ओके, ग्राफ में कुछ इधर उधर नहीं है, हल्का फुल्का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. ओके, तो वो ग्राफ के लिए आपको दोनों ग्राफ कंपैरेटिवली स्टडी करना पड़ेगा. अभी ये जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एक्चुअली गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के बाद में आते हैं. तो यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे निकलते हैं, और यहाँ पे वैल्यू ऐसे दिखाते हैं. ये क्या है, क्यों है, ये हम दिखाएंगे. तो इधर कितना आएगा, इसका वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इधर आएगा आर. ओके, तो इसमें आपका वेरिएबल क्या आएगा, वेरिएबल इधर आएगा वेरिएशन ऑफ ई वर्सेस आर, यहाँ पे जीरो. तो ये पॉइंट बन गया आपका आर इज इक्वल टू आर, और यहाँ पे आपका बन जाएगा ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r square. Getting my point?
ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ से वो चालू हो जाएगा और इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द आर वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता मतलब आगे चला जाएगा। अभी अगर आप बात करोगे इसका वी का, तो उससे पहले इसको हम आपका एप्लीकेशन है ना उसका ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आपका सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज पर यूनिट सरफेस, वो अगर क्यू की जगह आपने वो डाल दिया, क्यू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए डी क्यू बाई डी ए, तो अगर आपको वो है उसका वैल्यू इतना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, वो भी दिया। अभी पोटेंशियल के लिए आपको अगर पोटेंशियल निकालना है तो उसका भी वैल्यू उतना ही है ना, खाली इधर ये आर स्क्वायर है उधर आएगा आर, लेकिन वैरी करते समय आपको ये जो डॉट 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 दिखा है उधर, लेकिन आपको निकालते समय वो सेंटर से निकालेंगे ना, तो सेंटर से आर तक वो कांस्टेंट चलेगा, सेंटर से आर तक कांस्टेंट चलेगा, बाद में वो भी ऐसे ही जाएगा, खाली थोड़ा सा डिफरेंस होगा, एक स्क्वायर वाला है और दूसरा सीधा है, तो ये एक बन जाएगा आपका, ये आर लिखो इसको, ये बन जाएगा आपका आर, इधर उतना ही आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इधर लिखोगे आप आर इज इक्वल टू आर, और ये आपका बन जाएगा वी वर्सेस आर। ओके, नाउ वी वर्सेस आर के लिए ये हो जाएगा वी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, और जितना सेंटर पर रहेगा उतना ही सरफेस पे रहेगा, जितना सेंटर पे रहेगा उतना ही सरफेस पे रहेगा, तो ये बन जाएगा आपका स्फेरिकल शेप के लिए। ओके, तो इसको नोट डाउन करो, आपके पास होगा, आपके बुक में भी होगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगर आपने लिया स्पीयर कंडक्टिंग दूसरा वाला, तो उसमें क्या आता है, उसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपको, और इसका फॉर्मूला भी हर टाइम पूछते हैं, वो डेरिवेशन करने का ज़रूरत नहीं है, मैंने आई थिंक एक दो प्रॉब्लम दिया था उसमें ये मैंने सिखाया था, लेकिन डेरिवेशन नहीं है उसका, डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले ई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा उसको एट आर, और उसके बाद में वो ये तो ग्राफ हर एक बुक में होगा आपके, ये ग्राफ तो हर एक बुक में होगा आपके, उधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा जो ग्राफ है जो है अपना वी का, तो ये दोनों भी ग्राफ का एक अपना इंपॉर्टेंस है, तो ये ग्राफ आपका ऐसे चलेगा, और यहाँ कहीं पे भी वो आपका आर होगा, और ये जो वैल्यू है ये तो अपना रेगुलर मतलब क्यू अपॉन वही आएगा ना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन वो ऊपर वाला जो है वो मैंने बताया था आपको 3/2 आएगा ना, वो इधर वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। सो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पे कितना आएगा वो वैसे ही आएगा, क्यू अपॉन 8 स्क्वायर, लेकिन ये लेकिन पहले पूरा ये पूरा कर लेते हैं, ये कितना आएगा 3/2 4 पाई क्यू बाय 4, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 क्यू अपॉन 4 2 ना, 4 2 8, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, नहीं तो उसको लिख सकते हैं 3/2 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये हुआ एक बात। अभी क्या होता है, ये यहाँ पे आपका E will be proportional to 1 by R square, और यहाँ पे E will be proportional to R, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन होगा।
अगर आपने ये तीन ग्राफ ध्यान में रखा तो आपको जो स्फीयर वाला प्रॉब्लम्स है, देर विल नॉट बी एनी फियर इन द प्रॉब्लम्स ऑफ स्फीयर। ओके, तो इसको बना डालो, बाद में हम प्रॉब्लम्स सबके लिए चालू करते हैं। हो गया, हटा दे इसको। नाउ विल स्टार्ट विथ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉब्लम। छोटा छोटा सिंपल सिंपल प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं हर रोज, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें। इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर मोरल एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस so that you will be able to go for any given problem. Okay. An air-filled parallel plate capacitor is to be constructed which can store 12 microcoulomb of charge when operated at 1200 volt. What is the minimum area of the plates required? और given क्या दिया है, direct strength दिया है, volt per meter में दिया है। तो पहले हम problem one में क्या क्या दिया है उसको लिख देते हैं। पहले आपको दिया है which can store 12 microcoulomb, so C is equal to 12 microcoulomb operated at 1200 volt, so V is equal to 1200 वोल्ट। ओके, एयर फील्ड है तो उसमें डाइलेक्ट्रिक का कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं होगा, नो डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट्स रिक्वायर? सो ए मिनिमम इज इक्वल टू क्वेश्चन। ओके, और गिवन क्या दिया उन्होंने आपके प्रॉब्लम में भी है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना दिया है, 3 × 10⁶। इसका यूनिट दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नाम दिया है इसलिए आप घबरा के, ऐसा कुछ नहीं है, उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। लेकिन इसका यूनिट देखा आपने तो क्या है, वोल्ट पर मीटर है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है एक तरह से, उसको हम वी कैन ट्रीट दैट टू बी अ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, सो देयर इज नो नीड फॉर worry about that. Okay, you can directly also solve that. You are having the formula. खाली जहाँ पे V है उसकी जगह थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, E is equal to dV by dr, तो V by d करेंगे तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। थोड़ा सा आज मैं आराम से बोल रहा हूँ, किसी किसी को दिक्कत आती है समझने में, तो E कैन बी रिटन है जस्ट V इंटू सॉरी V बाय डी, तो उसको रिप्लेस करेंगे V बाय डी को तो आपका काम हो जाएगा। तो जरा सोचो उसमें क्या आएगा, कैसे आएगा। ओके, और थोड़ा सा ट्राई करो। ओके, एक्चुअली ये होमवर्क देने वाला था, ठीक है, लेकिन अभी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे लिखते हैं आप? गॉस थ्योरम, आई थिंक क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट सॉरी सिग्मा अपॉन ई, हमने अभी दिखाया था ना, मैंने अभी इधर ग्राफ में दिखाया था वो सब जगह, वो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, सो इट विल बी सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। नाउ सिग्मा विल बी क्यू अपॉन ए, तो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो अगर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो मेरा ई क्या बन जाएगा, क्यू, क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब सी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सी कितना बन जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बन गया। अभी देखो
आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है क्या? देखो आ रहा है ना, ये गया वी बाई डी, वी बाई डी का मतलब आपका क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब ये फॉर्मूला सही है। तो अभी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन ऑपरेट, व्हाट वी कैन ऑपरेट, कुछ करने का बाकी ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे। ये देखो अगर क्यू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो आप क्या आप लिख सकते हो, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो उन्होंने क्या पूछा है, ए मिनिमम। सो व्हेन ए मिन ए विल बी मिनिमम, ई विल बी मैक्सिमम। ओके, व्हेन ए विल बी मिनिमम, ई विल बी मैक्सिमम। ओके, तो अभी मैक्सिमम का मतलब क्या है, ये जो आपको दिया है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो 1 मीटर को मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इतना। तो इसको लेते हैं हम ई मैक्स। सो ई मैक्स ये आपका ये आएगा, दिस विल बी योर ई मैक्स, बाकी कुछ नहीं है। तो इस फॉर्मूला में फिर से हम लिख देते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। सो ए मिनिमम विल बी क्यू अपॉन, ये लिखने का कुछ जरूरत नहीं होता, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ ई मैक्स। क्यू दिया है 12 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 8.8 × 10⁻½ मल्टीप्लाइड बाई 3 × 10⁶। ओके, अब ये क्या होने वाला है, ये 6 ऊपर जाके -6, सो ये -12, ये -12, सो ये मिला के सब एक दूसरे को काटेगा। ये 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, सो इट इज़ कमिंग 1/2.2, दैट इज 10/22। तो हमें देखना है अभी आंसर कितना आता है उसको। ओके, आंसर गया है 0.45, बराबर है 25, 22 4 ज़ा 88, तो उसमें से 12 आ गया, 22 5 ज़ा 110, 2 रिमेनिंग है, वो बराबर है। आंसर विल कम 0.45 m² आपके बुक उसमें कॉपी में भी दिया है आंसर। ओके, शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट। ओके, लेट मी चेक व्हाट इज द टाइम। ठीक है, अभी 2-3 प्रॉब्लम और हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम। ओके, बाद में है टू कैपेसिटर्स, प्रॉब्लम नंबर 2। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज 5 माइक्रोफेरेड एंड 10 माइक्रोफेरेड आर चार्ज्ड टू 16 वोल्ट एंड 13 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, दोनों को चार्ज किया है। ओके, व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, कॉमन पोटेंशियल बोला तो आपको मतलब समझता है, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला भी आपको याद है। ओके, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा, वी इज इक्वल टू Q1 + Q2 / C1 + C2, Q1 आएगा आपका C1V1, Q2 आएगा आपका C2V2, तो मिला के क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू Q1V1 + Q2V2 / C1 + C2, ये बन जाएगा आपका कॉमन पोटेंशियल। और दिया है आपको क्या क्या दिया है देखते हैं, 5 माइक्रोफेरेड, सो C1 5 माइक्रोफेरेड, C2 10 माइक्रोफेरेड, V1 16 वोल्ट, V2 13 वोल्ट, कुछ नहीं है। V निकालने के लिए C1V1 + C2V2 / C1 + C2 आप कर सकते हो इसको, आंसर आता है इसका 14 वोल्ट, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है यू में आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप। C1 यहाँ पे दिया है, टू डायरेक्टली वैल्यू डालना है, ये पैरेलल में इसलिए उनका एडिशन किया, पैरेलल है अगर तो उनका एडिशन करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अभी अब प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट प्रॉब्लम को आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको एक ऐसा नेटवर्क दिया है,
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो कैपेसिटर दिए, ओके, और यहाँ पे दो पॉइंट दिए ए और बी, और क्या पूछा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे 12 वोल्ट दिया है, यहाँ पे कितना दिया है 24 वोल्ट दिया है, यहाँ पे कितना दिया है 4 माइक्रोफेरेड दिया है, यहाँ पे कितना दिया 2 माइक्रोफेरेड दिया है ना, तो ये आपको निकालना है उसका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालने के लिए आपको एक मैं एकदम सिंपल टेक्निक बता दूँ, वो आप अपने कॉपी में लिख लिख के रखो क्या करने का है, तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगा पोटेंशियल निकालने के लिए। हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उस टाइम भी हम वो यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और देर इज अनदर ऑल्सो KCL, दैट इज फॉर करंट, यहाँ पे वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पे हम लूप देखते हैं, क्या देखते हैं, लूप का डिरेक्शन देखते हैं। अभी लूप का मतलब क्या है, तो किसी भी एक बाजू से आपने चालू किया ये सर्किट में, तो आगे आगे चले चले जाएंगे, आप आगे आगे चलते जाएंगे, तो जाते समय आपको निकलना है पोटेंशियल ड्रॉप, अक्रॉस ईच कॉम्पोनेंट, तो हर एक कॉम्पोनेंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है वो निकालते जाने का, विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, मतलब किसको पॉजिटिव देना है किसको निगेटिव देना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसको फिर से निकालने का ज़रूरत नहीं है, लुक तो वैसे ही आपका ओके, खाली उसको निकालने के लिए अगर आप जाते हैं मतलब लूप में, अभी इधर आपको 1 2 3 4 दिया है ना, बराबर है 1 2 3 4 ओके नो प्रॉब्लम। तो आपको चार चीज़ें ध्यान में देना है, फॉर बैटरी इफ यू आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जा रहे हैं, ये प्लस माइनस, तो लेने का नेगेटिव, सो इफ यू आर गोइंग लाइक दिस, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये एक हुआ। दूसरा क्या, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या बन जाएगा आपका, कहाँ जा रहे हो पॉजिटिव को, तो वो पॉजिटिव बन, फॉर कैपेसिटर सेम, उसको भी पोलैरिटी देने का, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको नेगेटिव बोलने का, अगर नेगेटिव पॉजिटिव जा रहे हैं तो इसको बोलने का पॉजिटिव। तो अभी इसका पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनाने का, इसके लिए एक आइडिया है, पहले बैटरी का पोलैरिटी लिख के लो, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। अभी क्या करेंगे, इसमें 12 और 24 में कौन बड़ा है देखो, 12 और 24 में कौन बड़ा है आपका वो देखो, तो आपको समझ में आएगा 24 बड़ा है आपका बराबर और 12 छोटा है बराबर। तो अभी 24 अगर बड़ा है तो 24 जिस उस जिसका 24 का जो निगेटिव टर्मिनल है वो जिस कैपेसिटर को जा रहा है उसका वो टर्मिनल लेने का आपने नेगेटिव, और जो पॉजिटिव टर्मिनल जिस कैपेसिटर को जा रहा है उसका टर्मिनल लेने का पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव हो गया तो ऑफ कोर्स ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन गया तो ये बन गया नेगेटिव। तो इतना कॉपी कर डालो, ओके पॉज करके इसको कॉपी करो, इसको वेरी इंपॉर्टेंट, ये IMPA चार भी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद में क्या करना है बोलते हैं, ओके हो गया, आगे जाते हैं। अभी आपको लिखना होगा इक्वेशन फॉर द वोल्टेज, आप कैसे भी जा सकते हो, यहाँ से यहाँ जाते हो नहीं तो यहाँ से यहाँ, मतलब ए से बी जाओ नहीं तो बी से ए जाओ,
मतलब ऐसा ए से बी जाओ, नहीं तो बी से ए को जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वी ए माइनस वी बी। ओके सो अभी हम चालू करते हैं वो लिखने। ओके अभी इसको बोलता हूं मैं ई टू, इसको बोलता हूँ ई वन, इसको बोलता हूँ सी वन, इसको बोलता हूँ सी टू। ओके सो अभी मैंने कहाँ से, अभी मैंने सॉल्व किया है, मैंने ई टू से सॉल्व किया है, ई टू से चालू करके। आप ऐसे भी चालू करके सॉल्व कर सकते हो। मैंने ऐसे इधर गया हूँ तो मैंने लूप कैसे निकाला है, मैंने थोड़ा सा अलग से सॉल्व किया है, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने लूप लिया है ऐसा, ये मेरा लूप चल रहा है ऐसा, मैंने उसके लिए उसको वो डायग्राम बनाया था, सब किया था, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाने के लिए डायरेक्ट जा सकता हूँ। मैं ऐसा घूम रहा हूँ, अगर मैं ऐसा घूम रहा हूँ दैट मीन्स आई विल फर्स्ट राइट, आई एम गोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, सो आई राइट ई टू एज पॉजिटिव। बाद में मेरा सी टू, सी टू को मैंने उल्टा लिख दिया लगता है। पॉजिटिव टू नेगेटिव ना। नहीं बराबर बराबर है, बराबर, नो प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके माइनस आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम। अब ये माइनस है ना, लेकिन इधर प्लस है, तो इधर आप लिखोगे प्लस, माइनस टू प्लस जा रहे हैं। सी टू का वोल्टेज कितना होगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो सी टू के लिए हम पकड़ते हैं चार्ज क्यू टू, और सी वन के लिए पकड़ते हैं चार्ज क्यू वन। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू टू अपॉन वी टू है ना, सॉरी वी टू है, क्यू टू अपॉन ये इधर वी लिखेंगे, क्यू बाई सी, क्यू टू अपॉन सी टू। बाद में इस बैटरी को आया तो माइनस ई वन, माइनस टू प्लस, प्लस क्यू वन अपॉन सी वन इज इक्वल टू जीरो। तो अभी ई टू कितना है आपका, ई टू है 12 प्लस क्यू टू अपॉन सी टू माइनस ई वन कितना है आपका 24 प्लस क्यू वन अपॉन सी वन इज इक्वल टू जीरो। किया आपने, मेरे साथ साथ करो, मैं भूल भूल गया बोलने के लिए, आपको ये पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी एक इक्वेशन किया आपने, तो इससे आपको एक पता चले, क्या पता चलेगा आपको, मैंने एक बताया था आपको, ये इसको भूल जाओ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को है और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को है, मतलब अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट किया है तो सीरीज की तरह उसको ध्यान में रखने का, सीरीज की तरह ध्यान में रखने का। अगर सीरीज है तो चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने क्यू वन और क्यू टू लिखा है, उसका मतलब वो मेरा क्या होगा, चार्ज कांस्टेंट होगा। तो अगर चार्ज कांस्टेंट है तो मैं क्या, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, क्यू लिख सकता हूँ। ये 12 माइनस 24, सो -12 प्लस ये क्यू, ये भी क्यू बराबर, ये सी वन, ये सी टू, सो क्यू अपॉन सी वन प्लस क्यू अपॉन सी टू इज इक्वल टू जीरो। -12 को इधर रखो तो ये बन जाएगा क्यू इंटू, क्यू इंटू 1 बाय सी वन प्लस 1 बाय सी टू
इज इक्वल टू 12, 1 बाय सी वन मतलब सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। तो लास्टली आपका क्यू कितना बन जाएगा बेटा, क्यू बन जाएगा आपका सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। सो इट विल बी 12 इंटू सी वन प्लस सी टू अपॉन सी वन सी टू। ओके, और आप आपको वी वन निकालना है, तो अभी वी वन का डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू डालो, आपका आंसर आ जाएगा। वी वन कैसे आएगा आपका, वी ए माइनस वी बी, दैट विल बी क्यू अपॉन सी वन। क्यू का वैल्यू इधर से मिल गया, इसको सी वन से डिवाइड करो मतलब वन बाई सी वन इधर आएगा, तो ये सी वन ये उल्टा हो जाएगा, क्यू अपॉन है ना, उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा बराबर, ये उल्टा आएगा ना, ये इधर है ना, तो वो ऊपर जाएगा सी वन सी टू, यहाँ पे प्लस आएगा ना, ये ऊपर जाएगा ना इधर, इधर तो ठीक है वो, इधर उल्टा जाने के बाद सी वन प्लस सी टू, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा ना। तो इसमें वैल्यू डालो सी टू सी वन सी टू, आंसर आपका आ रहा है, आंसर मैंने इधर नहीं दिया है, आंसर निकाल के लो आप, जस्ट आंसर दिया है 8 वोल्ट आएगा बराबर, ये 12 है, सी टू कितना है, सी टू है आपका 4, 48 हुआ, और ये 4 प्लस 2 6, 6 एट था 46 आता है, 8 8 आता है, 8 बराबर है आंसर। ओके, सो दैट वाज अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रिमेनिंग प्रॉब्लम वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर, लेट मी सी हाउ मच इज द टाइम, इट्स ओके, प्रॉब्लम वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।